नमस्कार, एक लाइव सीसी टू ब्लॉग में आपका स्वागत अभिनंदन बंदन करता हूँ। बस आज तैयारी हो रही है हमारे प्रिय भतीजे सार्थक यादव की बर्थडे मनाने का। तो जैसे कि हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर, जहाँ पर सार्थक का केक पैक हो चुका है, उसके बाद इस पर इनका नाम लिखा जा रहा है। बस कुछ ही पलों में हम उस बिंदु पर आपको ले जाएंगे जहाँ पर केक कटने की तैयारी हो रही है। बस बने रहिए हमारे ब्लॉग में, कहीं नहीं जाइएगा। तो बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में। बस बस चल रहे हैं हम, कुछ ही पलों में बस पहुंच जाएंगे। और जैसा कि मैं पहुंच चुका हूं और बस बर्थडे की तैयारी एकदम हो चुकी है। बस टेबल पे बस सजाया जा रहा है केक। और देखिए जय, हमारे रूम में फुब्बारे वगैरह सजाए हैं और हमारे मामा जी भी पहुँचे हैं। और इधर से टीवी भी थोड़ा गुनगुना रही है और फुब्बारे का इधर सजावट भी हो गया है। और बस हैप्पी बर्थडे का बोर्ड भी हम लोग मतलब लगा दिए हैं, इधर से स्टिकर भी लगा दिए हैं। बस ठीक ठाक, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। बस हमारे ब्लॉग में बने रहिए आप लोग, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ब्लॉग को जो मेरा ये वीडियो है इसको स्किप मत कीजिएगा, बने रहिए, क्योंकि इतना मज़ा आएगा आप लोग को कि बस देखते रहिए। छोटे छोटे बच्चे भी कुछ पलों में थोड़ा बहुत ठुमके भी लगाएंगे। और सार्थक यादव कितना खुश हैं देखिए, बहुत ही मुस्कुरा रहे हैं। और केक काटने वाला वो जो होता है चाकू लेके बैठे हैं, फर्स्ट क्लास खड़े हैं। तो देखिए बस केक कटने की तैयारी एकदम हो चुकी है, बने रही हमारे इस ब्लॉग में, कुछ ही पलों में केक कटने वाला है। और हमारे बड़े भाई राकेश यादव बस आ रहे हैं, उसके बाद केक कटवाएंगे और केक कटेगा, उसके बाद फिर बाकी अगला का कार्यक्रम उसके बाद जो होना है वो होगा। ये हमारे मित्रगण आए हुए हैं, ये हमारे भाई साहब राकेश यादव जी मुस्कुरा रहे हैं। और कुछ ही पलों में बस सारे लोग और इकट्ठा हो जा रहे हैं। मामा हैं हमारे छोटे, हमारे राजेश भाई और सोनू भाई भी हैं। अभी कुछ ही पलों में उनकी तरफ भी मैं कैमरा लेके जाऊंगा। और छोटे छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, उसके बाद देखिए ब्रजेश जी और सार्थक बड़े ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, बस कब हमारा मतलब हमारे नाम का जो केक आया हुआ है कब कटेगा। और ये देखिए,